हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनबी किचन ब्लॉग। आज हम बनाने वाले हैं फिश हेड के साथ उड़द दाल। उड़द दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी उड़द के दाल ले लिया है। कढ़ाई में पानी गरम होने के लिए रख दिया है। पानी गरम होते ही इसमें उड़द के दाल ऐड कर दिया। अब दाल को बॉईल होने के लिए कुछ देर हाई फ्लेम में छोड़ देंगे। दाल हाफ बॉइल्ड हो गया है। अब हम इसमें सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर और ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। अब फिश हेड को भी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर ऐड करके फिश हेड को पहले से ही फ्राई करके रखा था। फिश हेड ऐड करने के बाद दाल और फिश हेड को अच्छे से बॉइल होने के लिए फिर से छोड़ देंगे। दाल अच्छे से बॉइल हो गया है। अब हम दाल को छौंक लगा देंगे। कढ़ाई में छौंक लगाएंगे तो दाल को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। पहले कढ़ाई को धो के गर्म होने के लिए रख दिया है। गर्म होते ही इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल गर्म होते ही इसमें तेज पत्ता, सूखी मिर्च, क्यूमिन सीड्स और कुटी हुई अदरक ऐड कर देंगे। सब कुछ ऐड करने के बाद अब दाल ऐड कर देंगे। दाल को छौंक लगाना हो गया है। अब फिश हेड को थोड़ा सा तोड़ देंगे। फिश हेड को तोड़ कर देने से दाल और टेस्टी बन जाते हैं। दाल में गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद थोड़ी देर और कुक करके इसे निकाल लेंगे। दाल खाने के लिए एकदम से रेडी हो गया है। तो फिश हेड के साथ उड़द के दाल बहुत टेस्टी लगते हैं। आप घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।